स्वागत है भाइयों आपके अपने भाई के चैनल कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स में। तो भाइयों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर स्मैश 2018-19 में जो मुकाबला खेला जाने वाला है ओटाको बोल्ट वर्सेस सेंटरबरी क्रिकेट के बीच। बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से टीम न्यूज और जानेंगे क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है दोनों ही टीमों की, और करेंगे मैच की पूरी एनालिसिस और बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 की एक बेस्ट टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अभी तक आपने अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे तक ले जाने में मेरी मदद करें। तो भाई यहाँ पे मैं आप लोगों से लगातार सभी वीडियो में अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। तो भाइयों मैच की डिटेल्स की बात करें तो अगर आप मैच की डिटेल्स देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मुकाबला है यूनिवर्सिटी ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा। और बात करेंगे दोनों ही टीमों की तरफ से टीम न्यूज की, तो आपको बता दें कि दोनों ही टीम ओटागो वोल्ट्स और सेंटबरी किंग्स हैं। दोनों ही ने जो है 13 मैन का जो एक स्क्वाड है इन्होंने अनाउंस किया इस मुकाबले के लिए। तो 11 जो प्लेयर खेलेंगे उन्हीं 13 मैन के जो स्क्वाड में से आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। और वहीं बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से जो प्लेइंग 11 रहने वाली है इस मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है, और डिस्कस करेंगे कुछ जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के बैटिंग ऑर्डर ताकि आपको आसानी रहे यहाँ पे प्लेयर्स पिक करने में। तो बात करेंगे ओटागो की तरफ से आपको मैथने रैनविक क्रदरफोर्ड ब्रूम हिक्स फैनी या विटॉन में से कोई एक खेलेगा यहाँ जो रिस्की रहने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूँ जो 99% यही प्लेयर्स खेलेंगे जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, और जो रिस्की रहने वाला है वो भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो फैनी और व्यूटोन यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक खेलेगा तो ये रिस्की रहने वाले। किंचन आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, रिपोन खेलते नज़र आ जाएंगे, नाथन स्मिथ, डफी, विजोन, हंटर और मूलर। यहाँ पर देखिए हंटर और मूलर जो है दोनों ही रिस्की रहने वाले, यानी दोनों में से कोई एक खेलेगा। और वहीं इनके बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो ब्रूम और रैनविक दोनों ही आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि बता दें रैनविक जो है विकेट कीपर है तो ये आपको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते नज़र आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में रैनविक। और वहीं हिमेश जो है वन डाउन आपको बैटिंग करते नज़र आ जाएंगे, और उसके बाद जो है किंचन जो कि ऑलराउंडर है ये आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हिक्स और रिपन भी आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे किंचन के बाद। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली और ये बैटिंग ऑर्डर रहने वाली है ओटागो की तरफ से। और वहीं सेंटबरी की बात करें तो देखिए चार्ट बॉल्स आपको खेलते नजर आ जाएंगे, म्यूट्स खेलते नजर जाएंगे, कार्टर सी फ्लेचर यानी कि कैम फ्लेचर, इल्स आपको खेलते नजर आएंगे, मॉक खेलते नज़र आ जाएंगे, और उनके बाद जो है सिपले हैं, जेमिसन है, उसके बाद एडुनुटाल है, विलमास है, बेंटोन या लोटन में से कोई एक खेलेगा, बेंटोन या लोटन में से कोई एक खेलेगा, यानी कि ये दोनों जो प्लेयर हैं रिस्की रहने वाले हैं। और वहीं बात कर लेते हैं इनके बैटिंग ऑर्डर की, तो आपको बता दें कि कैम फ्लेचर और बोस दोनों ही आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। उसके बाद मोटो जो है वन लाउड बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, और उसके बाद आपको मॉकनी, उसके बाद कार्टर जो है बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम किस प्रकार बना सकते हैं आप अपने इस मुकाबले के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे आप किस प्रकार ड्रीम 11 की टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। हालांकि बता दें आपको कि विकेट कीपिंग सेक्शन में जो है दोनों ही बल्लेबाज आपको ऊपरी क्रम में बैटिंग करते हुए नज़र आ जाएंगे, मैथ रैनविक और कैम फ्लेचर दोनों ही ऊपरी क्रम में बैटिंग करने आ जाएंगे। और आपको बता दें कि मैथ रैनविक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। हालांकि अगर आप ग्रैंड लीग ट्राई करना चाहें तो मेरे हिसाब से जो कैम फ्लेचर हैं ग्रैंड लीग के लिए नंबर वन पिक रहने वाले हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। ग्रैंड लीग में आप जरूर ही कैम फ्लेचर को ट्राई करें। अगर मैथ रैनविक फ्लॉप होते हैं तो कैम फ्लेचर आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। और वहीं बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन की, तो हैनी निकोल्स को यहाँ से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नहीं खेलेंगे। मिस रदरफुट को मैंने यहाँ से पिक किया है, उसके बाद पिक किया मैंने नील ब्रूम को, चैट बॉस को और स्टीफन मर्टोच को। और इसके बाद अगर आप चेंजेस करके कुछ जो जाना चाहें तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं लियो कार्टर। एक जो चेंजेस मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे आप लियो कार्टर को ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद जो है ऑप्शन की बात करें तो जो आप चेंजेस कर सकते तो मेरे हिसाब से जो एक है स्वान हिक्स, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कुछ सेफ ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो
तो मैं कुछ आपको बोलूँगा नहीं ट्राई करना इसके अलावा, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ सेफ ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। जो सेफ ऑप्शन है मैंने शायद मेरे हिसाब से पिक कर रखा है, और जो चेंजेस करना है मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ से लियो कटर और यहाँ से जो इस प्लेयर को ट्राई कर सकते से वो हिक्स को ट्राई कर सकते हैं। और वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ माइकल रिपन को, एंड्रू इल्स को और यहाँ से कॉली मकनी को। और वहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 डेज लेट नहीं खेलेंगे, एंड्रू किचन यहाँ पे आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। एंड्रू किचन काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जो है आपको यहाँ पे किसी प्रकार का समस्या नहीं आएगा क्रेडिट का, आपके पास अभी भी देख रहे हैं टीम बनाने के बाद भी जो है 0.5 क्रेडिट बढ़ ही जा रहा है। हालांकि आप देखते हैं एंड्रू किचन को 47% लोगों ने ट्राई किया, वहीं इल्स को जब बात कर लेते हैं तो 24% लोगों ने ट्राई किया, और यहाँ पे कोल मुकनी जो है जो 50% लोगों ने ट्राई किया है। तो अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं एंड्रू किचन के साथ, एंड्रू इल्स और कोल मुकनी के साथ। तो ये जो है यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किन ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 ही बेस्ट रहेंगे। आप इल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया अभी एक इल्स को जो ड्रॉप करके एंड्रू किचन को लिया। हालांकि आप चाहें तो एंड्रू किचन को ड्रॉप करके इल्स को भी ले सकते हैं, मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और वहीं बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मेरे हिसाब से जो डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे जो कप डफी काफ़ी अच्छे पिक रहेंगे, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे प्लेयर रहने वाले। 76% लोगों ने लिया है, तो मेरे हिसाब से हेड टू हेड और स्मॉलिक के जो है काफ़ी बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन से, एक नंबर चॉइस रहने वाले। उसके बाद जो है क्रिस्टी विल्जोन को मैंने यहाँ से लिया, और विल्मास को यहाँ से मैंने अपनी टीम में रखा है। और यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, मूलर आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, मूलर को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो आपको यहाँ पे ईड नोटल, यहाँ पे आपको नोटल को ट्राई कर सकते हैं, आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। मैट हेनरी नहीं खेलेंगे तो ट्राई मत करिएगा। मैथ्यू बुकॉन की बात करें तो मैथ्यू बुकॉन जो है मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे ये मुकाबला, काफ़ी कम चांस है। हालांकि मैंने प्लेइंग 11 तो दे रखा है आपको, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की। देखिए आपको अगर आप बैटिंग सेक्शन से जाना चाहें तो 2 बेस्ट ऑप्शन आपके पास जो है एमएस रदरफुर्ड और नील ब्रूम, ये आपके पास जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफ़ी बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। रदरफुर्ड और नील ब्रूम, नील ब्रूम काफ़ी बड़े बल्लेबाज है और बहुत ही अनुभवी और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, तो इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन से कुछ ट्राई करना चाहें तो माइकल रिपन आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, जो कि आपको बल्ले और बॉल दोनों से ही काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 जो ऑप्शन दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की कॉम्बिनेशन का, तो आप कुछ उस प्रकार ट्राई कर सकते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, तो पहला ये वाला ऑप्शन है, और उसके बाद अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे ये कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और सेफ जाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा, तो आप ये चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं टीम प्रीव्यू। तो ये हमारी टीम रहने वाली है इस मुकाबले के लिए, और अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल 1-2 चेंजेस करके जा सकते हैं, और अपने अनुसार कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।